अरे काहे की बात में, तुम मेरी जन मेरी पहली फिल्म यादव विलन थी, फिर पता नहीं तुम पैदा नहीं हुए थे। मेरी जंग वाज अ विलन, ओ डार्लिंग ये इंडिया वाज अ विलन, उसके बाद कम किया विलन, फिर विलन नहीं किया, ये फुल फ्लेज्ड विलन। ओ डार्लिंग के बाद फुल फ्लेज्ड है विलन, 93 में था, 20 साल बाद। अब रियल लाइफ में थोड़ी, तो रियल लाइफ है, कहानी है, कोई अच्छा होगा कोई बुरा होगा, वरना कहानी नहीं बनेगी। एक्टर को हमेशा रेडी होना चाहिए, कोई भी रोल आए उसे निभाना है। तो मेरे लिए अलग अलग रोल करना ज़रूरी होता है एज एन एक्टर, वरना वो फिर वो जंग लगने लगता है कि वही कर रहे हैं वही कर रहे हैं। तो इट्स ये बहुत सही वक्त में मिला, और अभिनव कश्यप ने मैं पूरी मतलब पूरा योगदान जो है उनका ही होगा मेरे हिसाब से, और पूरा क्रेडिट उनको जाएगा कि उन्होंने मुझे आउट ऑफ द बॉक्स सोचा। वो जो एक स्टैम्पिंग होती है ना, इमेज, क्लीशेड इमेज जो एक आपकी लेके कुछ लोग चलते हैं, उसको तोड़ कर बोला कि यार आप विलन करोगे, कॉमेडी नहीं, बिल्कुल कॉमेडी नहीं है, करोगे आप? अरे ऑफकोर्स करेंगे यार, तो इसके लिए बैठा था मैं। तो फिर बैठ के जमाया, बहुत अच्छा जम गया और बहुत अच्छा कैरेक्टर बन के आया। क्या है कि वो भी फैमिली मूवी थी यार, मोगैम्बो वाज फुल, मिस्टर इंडिया पूरी फैमिली फिल्म थी यार। नहीं बस वो ट्रेंड कुछ चेंज हो गया है, वो जो लार्जर देन लाइफ विलन्स जो थे, लेकिन वो अभी भी चलते हैं। अभी व्हाट वाज संजय दत्त अग्निपथ, हाँ तो वो है, जहाँ रिक्वायरमेंट होती है और करना पड़ता है तो वो करते हैं। सो आई थिंक वो अगर सही तरीके से किया जाए तो चलेगा, हमेशा चलता है। मेरा भी खतरनाक है, लेकिन मैं उतना खतरनाक लग नहीं रहा हूँ। जो गेटअप है वो तो बहुत डेडली गेटअप था, इसको थोड़ा टोन डाउन रखा, बिकॉज अभिनव का एक एक कुछ जहन में ख्याल था कि नहीं रियल भी है और ख़तरनाक भी लगता है, तो कुछ एलिमेंट्स बोले हाँ कलर चेंज कर देते हैं, फिर ये स्कार एक दे दिया, एक सटल है, ऐसा नहीं है कि मुंह पे कार दे दिया, वो एकदम आवाज़ से कुछ खेल खेला है,